हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। इस एप्लीकेशन से आप स्टार्टिंग पे 1,000 से लेके 2,00,000 रुपए का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं और सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप इस लोन को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको भी अचानक से पैसों के यहाँ पे जो पड़ चुकी है और आपने काफी जगह लोन के लिए ट्राई भी कर लिया या वहां से भी आपको लोन नहीं मिला, आप जो मैं एप्लीकेशन आपको बताने वाला हूँ एक काफी अच्छी एप्लीकेशन है और एक RBI से अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास एक पैन कार्ड साथ में आधार कार्ड यहाँ पे होना चाहिए और जो एप्लीकेशन है एकदम तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल मुझे पूरे 10,000 रुपये का लोन का अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है। अब जो मुझे 10,000 रुपये का लोन का अप्रूवल मिला है, कैसे मैंने लोन अप्लाई किया था और किसी वजह से मुझे यहाँ पे लोन का अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है। अब काफ़ी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लोन तो अप्लाई करते हैं, जिनको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस नहीं मालूम होता इंस्टेंट उनका लोन वहाँ पे डिक्लाइन हो जा रहा है। और सिर्फ मैंने यहाँ पे पैन कार्ड लगाया, एक मैंने आपको आधार कार्ड लगाया और मेरा सिबिल स्कोर था वो भी यहाँ पे काफ़ी डाउन था, फिर भी मुझे इस एप्लीकेशन ने पूरे 10,000 रुपये का लोन का अप्रूवल यहाँ पे दे दिया। अगर आपको भी पैसों यहाँ पे इमरजेंसी पड़ चुकी है तो ये वीडियो आपके लिए पहुंचाती हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इस एप्लीकेशन से आपको 1,000 से लेके 10,000 के बीच का लोन यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपका सिबिल जितना भी यहाँ पे खराब है ना तो भी आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। बस कंडीशन एक रहेगी, आपको जो लोन का अमाउंट मिलेगा ना उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो यहाँ पे थोड़ा आपको ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सारी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कितने आपके बैंक खाते में आने वाले हैं, कितना आपको सर्विस चार्ज यहाँ पे लगने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अप्लाई करने हैं, पर उसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, कोई भी पार्ट आपको यहाँ पे स्किप नहीं करना। तो कोई भी पार्ट आपको यहाँ पे स्किप नहीं करना। अगर आप कोई भी पार्ट को स्किप करते हैं तो बिल्कुल भी आप लोन अप्लाई करने का प्रोसेस नहीं मालूम हो पाएगा और जैसे आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे इंस्टेंट आपका लोन वहाँ पे डिक्लाइन भी यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है हमारा जो लोन का अमाउंट था ना 10,000 रुपये का हमारा यहाँ पे लोन का अमाउंट है और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपकी पहले काट ली जाएगी 1,180 रुपये। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,180 रुपये की प्रोसेसिंग फीस आपको यहाँ पे लगाई जाएगी और नेट आपके बैंक खाते में आएंगे 2,820 रुपये आपके बैंक खाते में यहाँ पे आ जाएंगे और आपको जो लोन मिलेगा ना सिर्फ 24 दिन के लिए लोन यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे 11,800 रुपये की आपको रिपेमेंट यहाँ पे करनी है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा मकसद यही है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता चल जाए कि कितने आपके बैंक खाते में आने वाले हैं, कितना आपको टाइम मिलने वाला है, उसके बाद ही हम यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, तो लोन अप्लाई करने के लिए आपको करने का सिंपल यहाँ पे प्रोसेस है, सिर्फ आपको सिंपल प्रोसेस यहाँ पे वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है। तो यहाँ पे मैं प्ले स्टोर पर आ गया हूँ, एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन को भी ब्लर कर दिया क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन का नाम देख के लोन के लिए अप्लाई करते हैं और जिनको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस नहीं मालूम होता इंस्टेंट उनका लोन वहाँ पे डिक्लाइन हो जा रहा है। तो सबसे पहले आपको करना है इसको यहाँ पे ओपन कर देना। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आपको सिंपल से 3 स्टेप को फॉलो करना है। अब जो सबसे पहला स्टेप है सिर्फ आपको KYC करनी है, सेकंड स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल आपको डालनी है, थर्ड स्टेप में आपको यहाँ पे ऑफर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑफर लेने के लिए करना कि आपको गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन आपको टच कर देना है। जैसे आप यहाँ पे टच करेंगे ना तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे ना, ये आपको KYC करनी है सिर्फ पैन कार्ड और साथ में आपको आधार कार्ड से। नीचे आपको यहाँ पे अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पे डाल देनी है और गेट डिस्ट्रीब्यूट आपका जो लोन है सीधे आपके बैंक खाते में आपको यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ऑफर को लेने के लिए आपको जो ऑफर वाला ऑप्शन मिल रहा है आपको ऑफर वाले ऑप्शन आपको टच कर देना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना जो भी नाम है ना वो नाम यहाँ पे डाल देना। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपना जो मेरा नाम है डाल दे रहा हूँ और नीचे आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देना। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको नाम डालना है, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आ जाना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपके पास एक पैन कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डाल देना। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दिया, आपको नीचे वाला नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको कंफर्म यूरो डिटेल को यहाँ पे डाल देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पे लिखा है कंफर्म यूरो डिटेल आपको डाल देनी है। अब आपको जो डिटेल डालनी है एकदम ओके डिटेल यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछा जाएगा लोन पर्पस, आपको जो लोन चाहिए किस पर्पस के लिए आपको लोन चाहिए। तो सबसे पहले आपको मेडिकल एक्सपेंस वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कर रखा है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा मेटेरियल स्टेटस, आपकी शादी हो चुकी है नहीं हुई है, आपको उसको सिलेक्ट करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पूछा जाएगा, वो आपको सिलेक्ट करना है, जितना भी आप यहाँ पे पढ़े हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, अगर आप एक सैलरी पर्सन है सेल्फ एम्प्लॉयड है जो भी है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नीचे आएंगे मेड ऑफ पेमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, अगर आप कैश में सैलरी लेते तो कैश वाला ऑप्शन भी आपको टच कर देना है। नीचे आएंगे आपको कंपनी नेम यहाँ पे डाल देना है, जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी का आपको यहाँ पे जो भी एड्रेस नाम यहाँ पे डाल देना है। नीचे आएंगे इंडस्ट्री पूछा जाएगा, आप कहीं पे भी काम करते हैं सॉफ्टवेयर है इंजीनियर है कुछ भी है तो आपको डाल देना है। नीचे आपको डेजिग्नेशन का ऑप्शन आपको पूछा जाएगा, डेजिग्नेशन
डेस्टिनेशन को आपको सिलेक्ट करना है। मंथली सैलरी आपकी पूछी जाएगी, तो यहाँ पे आपको मेन ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आपको जो मंथली सैलरी डालनी है ना, तो यहाँ पे आपको कम से कम 30 से लेकर 35 हज़ार रुपये की मंथली सैलरी यहाँ पे डालनी है। अगर आप सैलरी को कम कर देंगे ना यहाँ पे, जैसे कई लोग क्या करते हैं 10,000 की सैलरी डाल दी, 15,000 की सैलरी डाली, तो उस केस में उनका लोन वहाँ पे डिक्लेन हो जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 30 से लेकर 35 हज़ार रुपये की सैलरी यहाँ पे डाल देनी है, और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सैलरी डेट का, जो भी आपकी सैलरी डेट मिलती है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको जितने भी इन्फॉर्मेशन है सारी इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से अपना जितना भी एड्रेस है उसको यहाँ पे फिल कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है जो जो मेरा एड्रेस था मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सेकंड, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। सैलरी पर्सन को मैंने यहाँ पे चूज कर रखा है। मेड ऑफ पेमेंट को मैंने यहाँ पे सैलरी यहाँ पे, क्योंकि मुझे कैश में मिलती है क्योंकि मेरी इनकम यहाँ पे बैंक खाते में नहीं आती। नीचे आपको मिलेगा कंपनी नेम आपको डाल देना। नीचे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है इंडस्ट्री, डेजिग्नेशन आपको सिलेक्ट कर देना। मंथली सैलरी मैंने यहाँ पे डाल दी, जैसे मैंने आपको बताया था 35 से लेकर कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये की इनकम आपको डाली है। सैलरी डेट मैंने यहाँ पे डाल दी, रेजिडेंट टाइप मैंने आपको यहाँ पे कर दिया। उसके बाद आपको रेजिडेंट एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। सारा कुछ आपको फिल करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट डेट पे यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल किया, इंस्टेंट मुझे पूरे 10,000 रुपये का लोन का अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है। अब आपको अच्छे से यहाँ पे देख लेना है। तो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है आपका जो लोन का अमाउंट था पूरे 10,000 रुपये का आपका लोन का अमाउंट है। आपको जो GST लगेगी प्रोसेसिंग फीस आपको 1,180 रुपये की यहाँ पे देनी पड़ेगी। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट 1,820 रुपये आपके बैंक खाते में आ जाएंगे, और 24 दिन का आपको यहाँ पे समय मिलने वाला। तो यहाँ पे आपको पहले अच्छे से देख लेना है, अगर आप 24 दिन के अंदर इसकी रिपेमेंट कर सकते हैं तो आप यहाँ पे लोन के लिए तरफ जा सकते हैं। क्योंकि इस एप्लीकेशन का जो इंटरेस्ट है ना, तो बहुत ही ज्यादा आपको हैवी यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो अगर आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट के ऊपर लोन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहां पे आपको काफी सारे लोन के वीडियो मिल जाएगी जहां से आपको कम इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। पर इस एप्लीकेशन का आपको जो ब्याज है ना बहुत ही यहाँ पे ज्यादा, जो इस एप्लीकेशन का जो ब्याज है ना वो आपको बहुत ही यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ लिखा है 10,000 रुपये का आपका लोन है, 1,820 रुपये आपके बैंक खाते में आएंगे और 11,800 रुपये की आपको रिपेमेंट यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कितना आपको यहाँ पे ब्याज लग रहा है। कम से कम आपको 3,000 से लेकर कम से कम 4,000 के बीच का आपको यहाँ पे ब्याज लग रहा है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा नीड है तो आपको इस एप्लीकेशन की तरफ जाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले से अवेयर कर दिया इस एप्लीकेशन का आपको ब्याज बहुत ही ज्यादा मिलेगा और आपको टाइम भी बहुत ही यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। सिर्फ 24 दिन का आपको समय मिलेगा और 24 दिन के अंदर आपको इसकी रिपेमेंट करनी है। देखो अगर आप किसी भी एप्लीकेशन की रिपेमेंट नहीं करते हैं आपका सिबिल भी खराब हो जाएगा। फ्यूचर में अगर आप कहीं पर भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे ना तो वहां पर भी आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपका सिबिल खराब हो जाएगा तो आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलने वाला। अगर आप कहीं भी यहाँ पे एजुकेशन का भी लोन अप्लाई करेंगे ना तो वहां पे भी आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आपको लोन चाहिए तो आपको सोच समझ के लोन अप्लाई करना है। अगर आप इसके रिपेमेंट टाइम पे कर सकते हैं तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको लाइव प्रूफ यहाँ पे बता दिया कि कैसे आपको लोन अप्लाई करना है, कैसे आपको लोन का अप्रूवल यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो एप्लीकेशन कौन सी है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप इसकी रेटिंग को चेक कर लो। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4.3 की इसकी रेटिंग है और जिसके डाउनलोड यहाँ पे अभी 10,00,000+ इसके यहाँ पे डाउनलोड है। ज्यादा डाउनलोड इसके यहाँ पे नहीं है, 10,00,000 से ज्यादा लोगों ने अभी इसको यहाँ पे डाउनलोड भी यहाँ पे कर लिया है। तो यहाँ पे भी आपको 4.3 की रेटिंग यहाँ पे मिलेगी जो कि काफी अच्छी रेटिंग है। 5 स्टार में आपको इसकी रेटिंग भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी 5 स्टार है, यहाँ पे भी नीचे भी 5 स्टार है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले करना है क्या, आपको उसके अबाउट सेक्शन पे आ जाना है। देखो किसी भी एप्लीकेशन पे अगर हमें लोन के लिए अप्लाई करना है ना तो यहाँ पे हमारे को सबसे पहले ये चेक करना है कि एप्लीकेशन को प्रोवाइड कौन कर रहा है, क्या एप्लीकेशन RBI अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। क्योंकि हमारा जो पैन कार्ड आधार कार्ड है एकदम पूरे तरीके यहाँ पे सेफ है। हमें यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन पे अगर लोन के लिए अप्लाई करना है तो एकदम सेफ एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना है। आपको इतनी ज्यादा बातें कोई नहीं बताने वाला, सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ वीडियो बना के दिखा दी जाएगी। पर इस चैनल पे आपको यहाँ पे सारा कुछ बताया जाएगा A to Z की एप्लीकेशन का नाम क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे लगने वाले, क्या एप्लीकेशन RBI अप्रूव्ड एप्लीकेशन है नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा ट्रस्टेड NBFC इन द अराउंड 30 मिनट, इतना यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद आपको मैं सारी जानकारी यहाँ पे दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वी आर द RBI registered NBFC कंफर्म ऑफरिंग पर्सनल। तो यहाँ पे जो सैलरी पर्सन को यहाँ पे आपका लोन मिलने वाला, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। मैं पहले से आपको अवेयर कर दूं, अगर आपके सैलरी खाते में आएगी तो आपको यहाँ पे लोन मिलने वाला। इन्होंने लिखा हुआ है क्रेडिट इन द सैलरी प्रोफेशनल। तो उसके बाद आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है, इसको प्रोवाइड कौन कर रहा है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है राम फिनक्रो पर्सनल लोन ऐप प्रोवाइड पर्सनल लोन फिर द 5,000 से लेकर 2,00,000 रुपये का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पे भी इन्होंने काफी
सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे इन्होंने रिक्वायरमेंट यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देख एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है इन्होंने इंडिविजुअल द मिनिमम मंथली इनकम रेट 30,000 रुपये, इंडिविजुअल द यहाँ पे 21 साल की आपकी एज होनी चाहिए, और यहाँ पे लिखा है सैलरी पर्सन, यहाँ पे सैलरी लिखा हुआ है, सैलरी स्लिप आपको देनी पड़ेगी, साथ में आधार कार्ड पैन कार्ड भी आपको देना पड़ेगा, 3 मंथ के सैलरी अकाउंट बैंक स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया अपना NBFC, तो यही पे भाई हमारे को मेन यहाँ पे देखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे राम फिनकोरा पर्सनल लोन ऐप द आर के बंसल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड NBFC विद द रजिस्टर्ड विद, तो जो एप्लीकेशन है ना वो NBFC से अप्रूव्ड है और रजिस्टर्ड विद द RBI है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है RBI विजिट, तो यहाँ पे इन्होंने अपने ईमेल आईडी भी दे रखी है। तो नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको इनका काफी सारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलने वाला कॉन्टैक्ट नंबर से बात कर सकते हैं, ऑफिशियल मेल आईडी भी आपको मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी, साथ में आपको इनका एड्रेस भी यहाँ पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे कब आई थी, 29 अक्टूबर 2023 में आई थी, अभी कुछ ही टाइम हुआ एप्लीकेशन को आए को। एप्लीकेशन का नाम है राम फिनकोरा पर्सनल लोन ऐप RK बंसल फाइनेंस लिमिटेड, इसकी तरफ से आपको लिमिट मिलेगी। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, आसानी से आप जाके डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।